अच्छा एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपके पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दिस, ब्यूटीफुल इट इज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और माहौल एक अच्छा सा हो गया यहाँ पर, डिवाइन हो गया है, और सब लोग बहुत कह रहे हैं. वैसे तो मेरा मन था कि आपका जो सबसे पहला गाना था जिसके लिए दुनिया को आपने पागल बनाया, दैट वाज फ्रॉम द फिल्म वो जियूं कैसे, राइट, जियूं कैसे वॉज द जीए क्यों, फर्स्ट जीए क्यों। जिए क्यों. सो क्या बात है दुर्गा जी सिंह, अरे थैंक यू दुर्गा जी। और विदिता बेग ज्यादा लिख रही है, ज्यादा, अच्छा ज्यादा ज्यादा मतलब वो, अच्छा तानपुरा बोलूंगी, ज्यादा आ रहा है. ओके चलिए अब तो ओके मैंने बंदी कर दी, मैं तभी तानपुरा लगाऊंगी, चुप मैं गाऊंगी. तो हाँ जी क्यों, मैं चाह रही थी कि कैन वी स्टार्ट, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मोहब्बत करने वाले मोमो के धागे, बट मेरा मन था कि आपका दैट वाज द फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग या जिससे जिसने धूम मचाई थी. अरे सो अगर आप उसको सुनाएं तो, और गिटार आप ले लो, बिना गिटार के मजा नहीं आ रहा. आपको आता है गिटार सुर आ रहा है उधर, तो बहुत बहुत अच्छा आ रहा है. आप कुछ बात कीजिए ना, एक्से जैसे होते हैं ना जो तबला ट्यून करते रहते हैं तो सामने वाला कुछ हाँ बोलता मैं इनको बहुत एंटरटेन कर सकती हूँ, आप करे रहो. तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तब तक, जब तक पापोन रहता अपने गिटार की सुर मिला रहे हैं, तब तक आप है। सुरीली चाय विद ऋचा में मजे लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी सुरों का भंडार खुलने वाला है और पापोन आपको एक से एक खूबसूरत गाने सुनाने वाले हैं, जिसमें मोमो के धागे, मोहब्बत करने वाले और मेनी 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 मोर. सो यू हैव टू बी पेशेंट. पापोन दाका दुनिया गई से, पापोन कुमार दुनिया पुरी. दुनिया दुनिया मीन्स खूबसूरत, ब्यूटीफुल सिंगिंग, अच्छा सो ये गाय पापोन से मतलब दा, गाया है। वो जो बोले हैं उनका नाम है लायन कौशिक. हाय अनंगराग पापन दा, लव फ्रॉम गुवाहाटी आसाम, डॉली बरुआ. थैंक यू डॉली। मैं अभी आपकी तरफ सबको थैंक यू बोलती जाती हूँ, आप अपना काम करो. रेडी, जी सो गाइस हियर वी गो, पापोन इज सिंगिंग जिए क्यों. आओगे फोन पे बुलाओगे शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे, न आए हो न आओगे न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाई से नींद में जगाओगे। तुम गए हो क्यों, रात बाकी है गए, तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है गए, तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है गए तुझे क्यों। और गाँव ठीक है, न आए हो न आओगे, न दूरियां मिटाओगे, न थामते वो जोश में यू होश से उड़ाओगे, न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए सुन गए हो क्यों, रात बाकी है गए, सुन गए हो क्यों, रात बाकी है गए, तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है गए क्यों तुझे क्यों। थैंक यू। हाय, हाय क्या मतलब रसीली, इतनी एकदम जादू मखमली आवाज. हाय, दिस इज हाय नो दिस हाय इज हाय, बिग थैंक यू टू प्रीतम दा फॉर दिस सॉन्ग, वो सो हमेशा याद बिग 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 रहेगा। अप्लॉज टू प्रीतम दा, एंड हु हैज रिटन द सॉन्ग, किसने सईद लिखा है. काजी साहब ने लिखा है।
सईद जाफरी, कादरी साहब ने लिखा, सईद कादरी जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सच्ची बहुत बड़ा हाथ है एक्चुअली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स और राइटर्स जो इतना खूबसूरत काम करते हैं और फिर हमको मौका मिलता है और हम उसको अपनी पूरी मेहनत पूरा बेस्ट दे के फिर इस गाने का ऐसा शक्ल बनता है, फिर ऐसे हिट होता है। और जब आप उसे लाइव गाते हो बिना किसी ट्यूनर के और बिना किसी सपोर्ट के, जस्ट वन गिटार एंड यू, दैट इज मैजिक, दैट इज मैजिक विच इज हैपनिंग राइट नाउ हियर। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी अभी गिटार पे हाथ लगा ही हुआ है, वैसे तो अब हटेगा नहीं, मैं हटने नहीं दूंगी, लेकिन मोहब्बत करने वाली मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता रह सकता हूँ। थोड़ा सा मोहब्बत करने वाले का रंग जमा दीजिए। आप भी गाओ ना, आपको तो पता ही है, मैं भी ऐसे ही चलो आप गाओ, गाता मैं आप जहाँ रुकोगे हम लेटेंसी का ख्याल रखेंगे कि एक पॉज आएगा, जहां मेरे से गाया जाएगा वहां मैं गा दूंगी। आप हुआ या किसी स्केल, आप अपने स्केल में गाइए, मैं उसमें कहीं बीच बीच में कूद जाऊंगी, बस आप पॉज दे दीजिएगा। एक्चुअली मुझे गिटार बजा के नहीं आता है, तो क्योंकि बैंड होता है ना, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ बस। खाली कॉर्ड्स रखो, आप पूरा मत बजाओ, एक खाली कॉर्ड्स। अच्छा मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत हाँ करने वाले कौन न होंगे, तेरे महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले जमाने भर का हम और एक तेरा और एक तेरा। जमाने भर के हम एक तेरा, हाय 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 हाय, क्या बात। ये हम होगा तो कितने हम न होंगे, ये हम होगा तो कितने हम न होंगे, करने वाले कौन न होंगे। ठीक हाय है, बस हाय इतना काफी है, आई थिंक। लेकिन मुझे तो हाय हाय, सच्ची मजा आ बोलू, गया आपके साथ गाने का। मैं एक बात बोलू पापोन, मेरे को सच्ची गॉड कसम, मुझे बिल्कुल मनी था ये वाली गजल एटलीस्ट। ठीक है हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मुखड़ा और एक अंतरा गाएं और बंद करें, बट ये गजल ऐसे लग रहा है कोई नाइंसाफी हो रही है, एक ही अंतरा, अगर खाली आप अकेले ये एक अंतरा पूरा कोई सुना दे इसका तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, गॉड प्रॉमिस, मैं नहीं, सच्ची बोल रही हूँ। आप प्लीज गाओ ये देखो मैं नहीं, मैं इसका सिर्फ प्लीज, मैं चाहती हूँ सुनना चाहता आप, हूँ। मुझे तो गवा नहीं दे रहे हो, मुझे मैं पता है फिर आप। सुना दूंगी, यस गाओ। मैं फिर से सुनाऊंगी, बट एक कंतरा इसका आप सुना दो, खाली खाली कॉर्ड रखो, बजाओ मत, खाली कॉर्ड रखो हल्का सा प्लीज, मुझे याद ही नहीं है ना, मुझे एक तो मैं यही वाला माहिर गाओ हूँ ना, अपने गाने गलत गाने के, बहुत फेमस हूँ। यही वाला गाओ, जमाने भर के गम, जमाने जमाने भर के हम और एक तेरा हम, जमाने भर के हम और एक तेरा हम, जमाने भर के हम और एक तेरा हम, ये हम होगा तो कितने हम न होंगे,
ये गम होगा तो कितने गम होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत के निभाने क्या बात है, ऐसे मत बोलो पापोन, सच्ची दिल से बोल रही हूँ, इसलिए नहीं कि हम लोग पब्लिकली लाइव है इस वक्त, और ये आपने कई बार महसूस किया, कितनी बार मैंने आधी आधी रात को भी कॉल किया, हम लोग सब जब जैम कर रहे होते हैं और फिर आप आपका जिक्र छिड़ता है तो हम आपको कॉल लगाते हैं, ये भी नहीं सोचते 1 बज रहा है 2 बज रहा है नो बहुत अच्छा, बहुत स्वीट बात। और मुझे आपको याद है ना, याद हो तो मैं बस नया ही बॉम्बे बस आया था, कुछ 1-2 महीने हुए थे, और मेरी किस्मत की मैंने बचपन से जगजीत सिंह जी को बहुत सुना है, और इतना सुना है कि उनके जैसा सुनने लग जाता हूँ, कभी लोग बोलते कि आप जगजीत सिंह जैसे लगते हो, वो कारण शायद इसीलिए है कि बहुत सुना है तो हो जाता ना एक बैठ जाते, तो मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया, अब बहुत दुख लगा, दुख रहा है। और चित्रा जी को मिला हूँ, कभी कभी जाता हूँ, बहुत प्यार करती है मुझे कभी कभी अभी, तो ये लोग मुझे लगते हैं कि मेरे गुरु हैं, जो जैसे एकलव्य थे ना द्रोणाचार्य से, दूर से सीखे थे जो बिना पास, जी, एक तरह से आई ओ माय लॉट ऑफ माय सेंसिबिलिटीज ऑफ म्यूजिक टू देम। सो तो उनका उनको गुजरने के बाद उनका एक विजक्राफ्ट ने एक बड़ा सा कॉन्सर्ट किया था इन ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह जी, करेक्ट तब ने गाए थे, ऐसे ऐसे लोग थे, मेरे मेरे ऐसे घुटने कांप रहे थे, मुझे बुरा था गाना, तो मेरे ऐसे घुटने खटर खटर आवाज आ रहे थे, और ना मेरा इन ईयर था ना मुझे, मेरे हाथ पांव से ठंडे हो जा रहे थे मतलब पसीने से, फिर सामने पंडित जसराज जी बैठे थे, हरिहरन जी बैठे थे, मैं कहाँ फंस गया मैं तो मुझे लगा ऐसे होगा होंगे, किसी ने बोला ऐसे ऐसे सब तरह के लोग हैं, तो ओनली फैटर्निटी था आप उसमें थे, आपने जो गाया वो तो अलग ही बात है, लेकिन जो खत्म होने के बाद आप मुझे मिले, आपने मुझे बोला था कि साइड में आ जा तू मैंने बिल्कुल बोला अच्छा बिल्कुल एंड में खड़े थे, सामने आपने बोला स्टेज था, आई रिमेम्बर, आपने आपको पता भी था साइड में नर्वस था जो भी था, आपने बोला तुझे पता है तू बहुत अच्छा है, पता है क्या ऐसे, तो आपने फिर मजाक बोला मुझे भी पता मैं बहुत अच्छी हूँ तो सिंस देन I really like, I obviously, you are अंग्रेजी में मॉन्स्टर ऑफ ए सिंगर, आप जैसे गाने वाला इस आवाज का इस बुलंदी से इस रूह से इस दखल से बहुत कम है आज के जमाने में, तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपके ये कह देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उससे बहुत साहस मिला था। नहीं नहीं पापोन, क्या होता है कि देखो सबका एक अपना एक खुद का एक टैलेंट, तो एक छोटा शब्द है, एक एक होता है ना अपनी खुद की पहचान, चाहे वो गाने की है चाहे वो टेक्सचर है, वॉइस टेक्सचर, और आपके पास ना रू रू जो फील होता है और उसके बाद आपका जो वॉइस का टेक्सचर है वो बहुत यूनिक है, बहुत कम लोगों के पास होता है ऐसा, तो यही रीजन है कि आप भीड़ में अलग दिखते हो, आपका ये नहीं लगता कि आप कोई किसी, चाहे आप बोल रहे हैं कि हम सभी किसी को सुनते हैं, कोई हमारे आइडल्स होते हैं, किसी को हम गाना सुन सुन के बड़े होते हैं, अपने अंदर बसाते हैं, जैसा कि आपने बोला जगजीत सिंह जी को सुना और भी आपने नाम लिए, बट उसके बावजूद आप स्टैंड आउट करते हो, आप अपनी पहचान बनाए हो, आपने अपनी एक्सक्लूसिविटी बताई कि दिस इज मी, दिस इज पापोन, एंड एवरीबडी लव्स यू एज पापोन, नॉट लाइक पापोन सिंग्स लाइक दैट पर्सन और दिस पर्सन ना, तो ये आपकी खुद की मेहनत है, और इसीलिए आपके सारे गाने जो आप बोल रहे हो कि मैं चूज करता हूँ, कभी कभी मैं छोड़ भी देता हूँ, तो ये आपकी खुद की ही मेहनत है, चाहे आपने गाने छोड़े, और गानों को छोड़ना बड़ा दुख होता है, मुझे मालूम है इस बात का, क्योंकि मैंने भी बड़े छोड़े हैं, जो लोग देख रहे होंगे जिनके गाने छोड़ के आई हूँ वो सोच रहे कैसे बोल रही है अभी तो नहीं छोड़ने वाली बात है, आप सही बोल रहे हो कि छोड़ने वाली, मतलब मुझे तो एक्चुअली दुख भी नहीं होता, मुझे ये लगता है कि मैं निभा ही नहीं पाऊंगा तो उसको मैं क्यों बेकार में उस गाने को भी, है ना, ऐसा मेरा ही बोल के आती हूँ मैं भी ये बोलती हूँ कि ये मैं है ना कोशिश करती हूँ, कोशिश तो मैं करती, कीड़ा तो मुझे बहुत है, मैं हर तरह के गाना गाती हूँ, मुझे शौक है, लेकिन जब फेल हो जाती फिर कहती हूँ माफ कर दो, जान दो, किसी और को बुला लो गाना खराब हो जाएगा तुम्हारा, नहीं नहीं सो आपने सही बताया,
और कुछ हो जाए, कुछ सुर लग जाए।